वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सोलर एनर्जी परियोजना राष्ट्र को समर्पित किए है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई अन्य मंत्री इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज रीवा ने वाकई में इतिहास रच दिया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर एनर्जी प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किए हैं। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, साथ ही दिल्ली में मेट्रो रेल तक को इसका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व कई केंद्रीय मंत्री भी शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सामर्थ्य पर विश्वास जताया और कहा कि ये विश्व की सुरक्षा का नींव है जो कि रीवा में रखा गया है, क्योंकि पर्यावरण की स्वच्छता में इसका अहम योगदान होगा। रीवा अल्ट्रा सोलर एनर्जी परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। इसकी कुल सोलर एनर्जी कैपेसिटी 750 मेगावाट है। मध्य प्रदेश के रीवा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर गुड़ में 1590 एकड़ में ये सोलर प्लांट लगाया गया है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड एमपी एनर्जी विकास निगम लिमिटेड और भारत के सोलर एनर्जी निगम की एक जॉइंट वेंचर है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 4000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्ल्ड बैंक ने जनवरी 2018 में इस प्रोजेक्ट के इंटरनल बुनियादी ढांचे के लिए 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी थी। प्लांट के अंदर सोलर एनर्जी से बिजली उत्पादन के लिए 3 यूनिट बनाया गया है। 3 यूनिट के जरिए 250-250 यानी कि 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। रिपोर्ट के अनुसार रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट द्वारा उत्पादित बिजली का लगभग 24% दिल्ली मेट्रो रेल सेवाओं में जाएगा। इस परियोजना के शुरू हो जाने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर रीवा का नाम स्थापित हो गया है। ये प्रोजेक्ट हर साल करीबन 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन एमिशन को कम करेगा। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के चलते मध्य प्रदेश को इंटरनेशनल लेवल में पहचान मिल जाएगी। एशिया में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। इसे बिजली वितरण कंपनियां और पावर मैनेजमेंट कंपनियों को परियोजना अवधि में 4700 करोड़ रुपए की बचत होगी। बिजली प्लांट से 76% बिजली मध्य प्रदेश को जाएगी और 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतनी जानकारी है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आज़ाद भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।